पर जड़ी मेरी जिंदगी का जड़ा किताबों नाल जड़ाव ये बहुत उस तरह का ही पुराना है। जिस तरह बच्चा पैदा होंदे सारे दूध पीना शुरू करता, जिस तरह पहला बचपन में छोटे मैगजीन पढ़ने हैं, चाहे हिंदी का चाहे पंजाबी का, तो जिम जो बड़े होंगे गए तो बड़े बड़िया पुस्तकों, बड़े बड़े नॉवल, बड़े बड़िया कहानियां, बड़े बड़े अच्छे लेखकों, दुनिया भर के जिन्हें लेखक अच्छे उन्होंने अनुवाद पढ़ने, चाहे वह रशिया का राइटर आ, चाहे वह जर्मन का राइटर आ, चाहे वह इंग्लिश राइटर आ, मैं उन्होंने अनुवाद जोड़े आ इंग्लिश भी पढ़ता रहा। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी दुख च किताब अज जो किताब छुपानी हो काफ़ी पैसे की जरूरत पैंती है, पर मेरे ना इदा नहीं रहा। मैं जो भी अनुवाद किया, जो भी लिखा, वो बहुत अच्छे ढंग जरा है वह बिना किसी पैसे तो पब्लिशर खुद छापते रहे। जिस तरह मेरिया हूँ लगभग इस वेले अनुवाद कीतियाँ, मेरिया अनुवाद कीतियाँ जी पुस्तक 10-12-13 पुस्तक जड़ियाँ वो मेरे को इसलिए मेरे को भंडार है अपन पुस्तकों का। एक बार फिर तो दोस्तों सत श्री अकाल कबूल करो, मैं हाँ तुहाडा दोस्त गोविंदजीत सिंह, ते अज गल करांगे बुक्स की। बुक्स की गल करदे ही सब तो पहला ख्याल आता है फेसबुक का, पर अज गल फेसबुक की नहीं करनी, अज गल करांगे असल जिंदगी दियां असल किताबां दे बारे। मेरे नाल सज्जे पासे मौजूद ने हुशियारपुर के रहने वाले द्वारका भारती जी। द्वारका भारती जी विद्यक योग्यता जिहड़ी है इहनां दी ओह बेशक 10वीं पास है, ते कम करदे ने पंजाबी दे विच कह लईए मोची दा, यानी जुत्तियां रिपेयर करन दा ते जुत्तियां नूं गंढण दा, पर इहनां ने नाम ना खटिया है हरेक छोटे ते वड्डे अदारे दे उत्ते। इहनां दी जिंदगी दे उत्ते आधारित जिहड़ी आ खबरां, स्टोरियां, डॉकूमेंटरियां शायद तुहाडे विचों बहुत जणे ने देखियां होण, बहुत सारिया तकरीबन दर्जना किताबां जिहड़ियां इह खुद दियां लिख चुके ने, अपनी जीवनी लिख चुके ने, ते बहुत सारिया किताबां नूं वख-वख भाषावां तों इहनां ने अनुवाद जिहड़ा ट्रांसलेट भी कीता है। समा जाए किए बगैर उन्होंने नाल गलबात भी करांगे शुरुआत दे विच, ते विच विचाले साडी तकनीकी टीम नाल दी नाल दिखाउण दी भी कोशिश करेगी कि किवें किताबां अते जुत्तियां दा इह समेल किवें हुंदा है, कि जुत्तियां गंढदे किवें उह किताबां लिखण लग गए, ते किवें इक दुकान दे विच सारा दिन उह मेहनत भी करदे ने, अपना कारोबार भी संभालते हैं, तो जो समा मिलता तो बड़े सुंदर शब्दों के नाल जिहड़ा वो कागजा के उत्ते कलम के नाल बड़े सुंदर शब्द जिहड़े उकरदे ने, तो बाद दे विच जो रूप धारण करते हैं किताबों का। गलबात करते स्वागत करते हैं द्वारका भारती जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया जी, धन्यवाद तुहाडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं सानूं समा दिता, क्योंकि काम जिहड़ा मेहनत नूं तुसीं हमेशा पहल दिंदे हो, तो कैमरे के उत्ते आना या कोई इस तरह शोहरत हासिल करना तुहाडा शौक नहीं, बहुत सारे लोगों ने तुहाडे बारे सानूं पहला दस्सिया, पहला भी असं इंटरव्यू कर चुके हैं। द्वारका भारती जी सब तो पहला तुहाडे जीवन बारे थोड़ा जिहा जानना चाहांगे कि तुहाडा जीवन कित्थों कु जिहड़ा इस पासे वल नूं मोड़ कटता है जवानी वल, तो बचपन की जो गल करिए तो किवें किताबों वल नूं किवें आना हो गया। हाँ इस तरह है जी, जे मैं अपने जीवन के बारे गल करा तो ये सवाल जो भी मैं कोई किया जाता तो मेरा उस वेले मैं अपने जीवन का जरा अर्थ वा वो किताबों जोड़ के देखदा। वैसे तो साडा जो संसार है अलग अलग विचार का एक पुंज है, तो हर बंदा अपना अलग विचार रखता, कुछ पढ़े लिखे आ कुछ अनपढ़ भी है, पर जड़ी मेरी जिंदगी का जरा किताबों नाल जड़ाव ये बहुत उस तरह का ही पुराना है। जिस तरह बच्चा पैदा होंदे सारे दूध पीना शुरू करता, तो गां ज्यों ज्यों बड़ा हो जाता वह चीज़ों नाल राबता बन जाता, तो मेरा जिहड़ा राबता सीगा वह पुस्तकों नाल ही ज़्यादा रहा। जिस तरह मैं हुण जे कहना चाहवां तो मैं जदों 5वीं या 6वीं सीगा तो उस तो बाद ही जिहड़ा मेरा रुझान जिहड़ा वो किताबां नाल लगातार बढ़ता रहा। जिस तरह मैं जे इस गल नूं होर अच्छी तरह स्पष्ट करा
तो इस तरह है भी जिदा मेरी जी सिलेबस दुस्तक पांचवी तो बाद दल है वह मैं जो तो पढ़ लैनी पढ़ के एक पास कर देनी उस तो बाद फिर मैं देखा भी मैं होर पढ़ने वास्ते कि चीज़ चाहिए आ फिर तक रही होर पढ़ने की हाँ बहुत ज्यादा पढ़ के अपनी पढ़ाई वाली तो होर इच्छा जागनी जी जी हाँ वो एक मैं ऐसा लगता भी जो मेरे अंदर एक साहित की या लिटरेचर जी भुख है ना जानने की संसार में जानने की लोगों का जो अज नज़रिया वो इस तरह का है भी संसार में जानने का जो उन्होंने नज़रिया या जरिया वो बदल गया पर जो मेरा जरा जरिया रहा संसार में जानने का वह पुस्तक राही रहा तो इस करके जो मेरा पुस्तक राबता जो पांचवी छेवीं तो बाद शुरू हो जाता तो ज्यों ज्यों मैं बड़ा हमें जाना अठवीं नौवीं दसवीं वो जो मेरे पुस्तक जरा जरा रुझान आ होर गह तो गह बढ़ता गया जिस तरह पहला बचपन में छोटे मैगजीन पढ़ने चाहे हिंदी का चाहे पंजाबी का तो ज्यों ज्यों बड़े होंगे गए तो बड़े बड़िया पुस्तक बड़े बड़े नॉवल बड़े बड़िया कहानियां बड़े बड़े अच्छे लेखकों दुनिया भर के जिन्हें लेखक अच्छे उन्होंने अनुवाद पढ़ने चाहे वह रशिया का राइटर आ चाहे वह जर्मन का राइटर आ चाहे वह इंग्लिश राइटर आ मैं उन्होंने अनुवाद जोड़े आ इंग्लिश भी पढ़ता रहा मैं तो लेकिन अनुवाद में ज़्यादा पढ़े इस करके जो रुझान मेरा जोड़ा है वह किताबों के ना लगातार वो अज भी है और बचपन शुरू होकर अज तक भी बिल्कुल बरकरार है इस तरह नहीं होया भी मेरा जो शौक हट गया नहीं यह जरूर है भी मेरा जो पढ़न का जो टेस्ट आ जो नज़रिया वो बहुत बड़ा हो गया बड़े कैनवस से मैं सोचता जो संसार पद्धर से सोचता फिर संसार में की लिखा जा रहा संसार के बिगे परिवर्तन आए तो किदा आए आ संसार के जेडे किताबा किताबों का रोल परिवर्तन में कि रहा यह सारी चीज़ें अज मैं बड़े कैनवस से मैं जरा सोचदा तो मैं एवं लगता भी किताबा जज पहले नालों भी ज़्यादा जरूरत है सानू किताबा की ता कि जोड़ा सिस्टम है वो किस तरह असं बदल सकते हैं जा साढ़े को नज़रिया बदल लगा हाँ फिर पढ़ाई जी तो मैट्रिक तक पता लग गया कि मैट्रिक तक तुम्हारी तो पढ़ाई है जी फिर मैट्रिक दे कारण की बनया अगे ना पढ़न का कोई परिवारक दिक्कत सी या फिर तुम्हारा जो पढ़न का टेस्ट जरा जिमें दसिया वो व्डिया किताबा व्डे लेखकों पढ़ना सी तो इधर जो आप कह लिए कि संतुष्टि जी नहीं लभ रही थी कि कारण की रहा कि तुम मैट्रिक तो अगे साहित वाला जरा सफ़र जारी रखिया तो पढ़ाई वाला सफ़र जरा उ रोक दिता हाँ इस तरह से जी उस बाद स्कूल तो बाद फिर जो अगे पढ़ाई की गल हों तो साढ़े जो घरेलू हालत से उन्हें वधिया नहीं सी उस बाद कॉलेज शुरू हो जाता से कॉलेज में जाना या उत्थे आना तो साढ़े जेडे फादर साहब से फैमिली बड़ी सी और इस करके उस खर्चे दे मतलब माइक हालात इन्नी वधिया नहीं सी मैं कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकता तो हालांकि साड़ी उन्हां दिनों च भी बहुत फीस नॉमिनल हुंदी घट हुंदी सी पर हालात यह सीगे छोटी जी थोड़ी फीस भी जी भरन के काबिल नहीं सी इस करके फिर मैं फिर उस तो बाद जरा अपने उस एक काम के खेत्र उतरों तो बाद मैं फिर बाहर जाना पै गया होर मतलब दूसरे शहर के बच्चे हाँ जी तो इस करके जी पढ़ाई है मेरी जो गह तो हो, नहीं हो शुरू हो सकी घर के हालात करके जी असं भी कह सकते हैं कि नौ नौजवान पीढ़ी अज की पीढ़ी जी कितने कितने छोटी छोटी गलते मायूस हो जाना छोटी छोटी गलते डिप्रैस हो जाना कि इतों तक कि नंबर एक घट आ जाना भी मेरे 98 नंबर आए 99 नंबर नहीं आए तो बहुत सारे मामले इदा के हुए अतीत के कि बच्चे सुईसाइड कर लिया या सुईसाइड करने के यतन किए वह बच्चों ने इस तरह सिक्ख्या लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं भी एक दरवाजा बंद होया तो होर दरवाजे जोड़े बहुत खुले आ असी मुकाम हासिल करना हो जो साधन बहुत सारे जोड़े उपलब्ध होंगे ने हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये गल ठीक है थोड़ी अज शिक्षा का जोड़ा अज एजुकेशन का नज़रिया जो शेप अज बदल गया ही आ साढ़े जमाने में जी नज़रिया से सिर्फ इस करके नहीं सगा भी आप अच्छी नौकरी लैनी है ज अच्छा गा गह जाना है बदना उदो नज़रिया से आप अच वधिया जो इंसान किदा बनना वो इन उन्होंने उस जमाने में मकैनिकल जो विचार से ना अज है वह नहीं सी अज असी चाहते हैं हर बच्चा चाहता मैं डॉक्टर बना मैं IAS बना या होर अच्छी डिग्री लैके मैं अगह तरक्की दी जावा उदों ये बहुत नज़रिए नहीं सी काम करते तो इस करके साढ़े मन च भी वह गल नहीं सी हुंदी मतलब पढ़ के उस समय सीखने की चाह हुंदी सी तो हूँ जी होर नंबर की एक दूजे तो अगे लंघन की मानसिक तनाव के बच्चे गुजर रहे हैं हाँ ये बिल्कुल ये कारण भी है साडा जो सा अज का जो बच्चा अज जी पीढ़ी है
ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਨਭੇਜੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਖੁਦ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 10-12-13 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਖਕ। ਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੰਬਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਕਥਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛਪੀ ਆ ਪੁਸਤਕ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਔਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 3 ਲੜਕੇ ਆ, 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4-5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨੁਕ ਝੁਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ
सारा दिन मैं कल्ली रह के डिगदियाँ पे जो घर आता तो मेरे ने बहुत गलबात नहीं होंगी ये तो वो अपने ढंग ने सोचती है पर मेरा जोड़ा एक जनून पढ़न का यानी कि ऐदा लगता से जिस तरह एक एक नशेड़ी बंदे नू अपा जे नशा ना मिले तो टुट जाता या वह उदास हो जाता या बीमार हो जाता या ढेला हो जाता या वह होर कुछ सोचता पर मेरे ना यानी कि मैं मेरा ये मेरे मुंड जिते मैं मेरा कमरा सी या मेरा सौंदा बहुत उ मेरी किताबा मेरे को रिया तो मैं जब तक पूरी किताब पढ़ नहीं लेंदा से मैं वो किताब नहीं छड़दा सी तो मतलब जिस तरह हुना हुना विआह हुंदा अपनियां जिहड़ियां साडी धर्म पत्नी जां साडे जिहड़े हगे आ उन्हां दी अपनी एक रीझ हुंदी आ वे मेरे नाल गलबात करन हां जी मेरे नाल गलबात करन जां मतलब इदां तो बड़ी मुश्किल हुंदी सी ते जिहड़ी साडी घरों मेरी धर्म पत्नी उह कई वारी खिंच पैंदी सी कहिंदी हुंदी सी वी जिसी मैं ऐ लगदा वी तुहाडा जिहड़ा विआह इन्हें पुस्तकों ने ज़्यादा तो मेरे ना घाटा रबता थोड़ा सो इस तरह के कई पल आते रहे आ, पर जरा मेरा जनून आया वो मैंने लिखन लिखने का सफर बिल्कुल बिल्कुल वो जनून जरा मेरा बकायदा रहा। लेकिन मैं यही नहीं कह सकता भी मेरी जी पूरी ज बाकी जिम्मेवारी ने पूरी की मैं इन्हें जनून के नाल नाल जो मेरा काम आ जी मेरी दूसरी जिम्मेवारी समाजिक जिम्मेवारियाँ वो भी नाल नाल जड़िया मेरिया वो चलद रही पूरा किया उन्होंने पता लग्या कि तुहाडियां ने किताबां कई कॉलेजां कई यूनिवर्सिटीज़ दे विच वी जिहड़ियां ने उह पढ़ाईयां जा रहियां ने। हाँ नहीं किताबां तो नहीं है जी मेरा कुछ एक अनुवाद आ एक नॉवल सी एक पंजाबी दा नॉवल सी मशाल जी साडे एक बहुत अच्छे राइटर सी गुरचरण सिंह राव उन्होंने लिखा सी उहदा हिंदी अनुवाद मैं कीता सी उह इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दे विच उह उस सिलेबस दा हिस्सा तो मेरी कुछ कवितावान जड़िया मेरिया वो जे एम ए क्लास के बच्चे हिंदी के वो इग्नू के बच्चे वनू पढ़ रहे अज भी वो जी मेरी कविता है वह पढ़ाई जा रही है। हाँ जी कविता का नाम जे तो याद हो गया हाँ वो कविता का नाम है जी वो हिंदी में आ मैं पंजाबी भी लिखी है तो हिंदी में आया आज का एकलव्य ये जी कविता हैगी कुछ अलग तरह मैसेज दें इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी दे विचे पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल इंदिरा गांधी जी ओपन यूनिवर्सिटी है उहदे विच एम ए की जी क्लासेज आ हिंदी दियाँ उहदे जिहड़े बच्चे आ जिहड़े उह सैकंड ईयर जिहड़े एम ए क्लास उहदे विच जिहड़े बच्चे आ उह अज भी उह मेरी कविता जिहड़ी उह पढ़दे आ और मैनूं उहनां दे फोन भी आउंदे आ और मेरे ना कई बार गल भी करते भी तुम की करते हो जिन्हें मैं बच्चे जो पता लगे कि PhD भी हाँ जी कर रहे हैं किताबा तो कर हाँ वो मेरी जी कवितावान ही कुछ जी लड़कियां है कुछ उत्ते जड़िया मेरी कुछ कवितावान उत्ते गलबात उन्हें थीस जी कर PhD कर रही हैं। हाँ जी और जब तक मैं स्वस्थ हाँ सेहतमंद वा तो मैं जो अपना काम आ काम के नाल नाल जो पुस्तकों का काम आ पढ़ने का जो मेरे साहित्य की जी रुचि है वो लगातार जी मेरी कायम रह गई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें साढ़े समा कटिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो भी आने धन्यवाद धन्यवाद ये सन साजूद द्वारका भारती जी जिन्होंने अपने जिम्मे समा क्ड के सा गलबात की है तो तुम देखिए कि किमें जुत्तियां गंढन तो जुत्तियां बना वाले एक शख्स जिन्हों असी पंजाबी मोची कह दें पर उन्होंने अपने किते दे नाल नाल कारोबार दे नाल नाल परिवारक रुझेवियां दे नाल नाल जिहड़ा आ अपने शौक नूं जिहड़ा पाल के रखिया आर्थिक तंगियां करके बेशक वो अपनी विद्या जिहड़ी सीगी स्कूली विद्या जिहड़ी वो पूरी नहीं कर पाए पर उन्होंने साहित दा जिहड़ा शौक सी जां उन्हां नूं जिहड़ा इश्क सीगा कलम दे नाल नशा सी जिहड़ा कलम दे नाल उन्होंने नहीं छड्डिया ते अज तक 70 साल की उम्र तो वध जिहड़ा आ जिंदगी बसर करन दे नाल नाल जिहड़ा उन्होंने ये शौक जिहड़ा आ उसनूं अगे तोर के रख्या होया है। साडी कोशिश किहो जी लगी कॉमेंट सैक्शन दे विच कॉमेंट करके भी जरूर दसना चैनल नूं जेकर हाले तक तुसीं लाइक सबसक्राइब फॉलो नहीं किया तो लाइक सबसक्राइब फॉलो भी जरूर कर लेना वीडियो नूं शेयर भी करना तां जो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾਰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ
सारे संभव यतन करांगे। फिलहाल दे लई कैमरा सहयोगी चेतन सिंह सलेमपुर दे नाल अपने दोस्त गोविंदजीत सिंह नूं दिओ इजाजत। जल्दी मिलदे हां किसी खास शख्सियत दे नाल खास मुलाकात प्रोग्राम लैके। धन्नवाद, शुक्रिया।